अगले महीने 23 मई आएंगे, सुबह 8 बजे तक संशय होगा, 9 बजे तक थोड़ा थोड़ा तस्वीर साफ होने लगेगी, 11:30 तक नरेंद्र मोदी की विदाई शुरू हो जाएगी और शाम को जब सूरज डूबेगा एक रात के लिए, तो मोदी का सूरज 5 साल के लिए डूब जाएगा। उसकी वजह कोई नहीं है, कहीं कहीं दुकानों पे लगा रहता है ना, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने, आप बता दो मुझे, 15 लाख, माफ करना मेरे भाई, पिछली बार बहुत से जो लोग हैं आज कांग्रेस के लिए मन बनाए हैं, लेकिन पिछली बार 15 लाख के लिए मन बना लिए, किसको बुरा लगता है। बहुत लोगों ने तो प्लान भी कर लिया था कौन वाली गाड़ी खरीदेंगे, पर 5 साल बीत गया। मेरा तो बड़ा सीधा से कहना है, मोदी जी ने वादा किया था, ऐसा तो नहीं कि पूरा झूठ बोला होगा, कुछ सच बोला होगा, तो जिनको 15 लाख मिला हो, मेरी उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि वो मोदी जी के साथ चले जाएं, और जिनको 15 लाख न मिला हो संजय सिंह जी के साथ चले जाएं। बड़ा सीधा सा कहना है, मैं कोई अलगाव और भेद की बात नहीं करता, लेकिन एक चीज सुनिए, मैं आपसे बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि अगर आपने 15 लाख न मिलने के बाद भी मोदी को वोट दिया, तो नीचे तो जनता नहीं माफ करेगी, ऊपर भगवान भी माफ नहीं करेगा, इतना याद रखिएगा। क्योंकि जो झूठ बोले, अगर उसे आप ताकत देंगे तो आप भी झूठ में शामिल हो जाएंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा वादा नौजवानों के साथ था, 2 करोड़ हर साल रोजगार। बहुतों ने सोचा कि भाई घर में बच्चा बेरोजगार घूम रहा है, मिल जाएगा, बहुत से लोग चले गए, लेकिन सच्चाई एक है कि 10 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं मिला, मिला होता तो सुल्तानपुर में कोई बेरोजगार न रहता। 1,38,00,000 को जिनका रोजगार था, भी अभी एक प्रेरक बोल रहे थे, आशा मित्र, शिक्षा मित्र, आशा बहु, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका रोजगार छिन गया। मैं कहूंगा आप गूगल में जाएं, अपने देखें, 1,38,00,000 रोजगार नोटबंदी के बाद मोदी जी की वजह से छिना, 1,38,00,000। और एक आंकड़ा मैं कह रहा हूं, अगर मेरी बात की चुनौती स्वीकार कर ले कोई भाजपाई, ये मेरा नहीं कहना है, मोदी जी के मंत्रालय का कहना है कि 45 साल में जितनी बेरोजगारी 2018 में आई है, उतनी कभी देश के आजादी के बाद नहीं आई। तो बेरोजगारी की हालत ये, महंगाई की हालत ये, कि अगर आप गौर से देखो तो हम पे यही तो इल्जाम था ना कि हमारे जमाने में सब चीज महंगी हो गई, पेट्रोल हाथ बिका 50-55 तक गया। पर एक चीज याद रखिए, हमारे जमाने में तो 50-55 बिका, और मोदी जी कहते थे अगर मैं आ जाऊंगा तो पेट्रोल 30-32 रुपए लीटर बिकेगा। आज मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था, आज ही 72 रुपए रेट आगे बढ़ा है। गैस हमारी बहने, 300 रुपया का सिलेंडर था, आज क्या भाव है? 1,000। तो फिर रोटी बेलने के लिए एक चीज रहती है ना आपके पास, अब नाम नहीं लेंगे, रहती है ना, तो फिर उसके इस्तेमाल का वक्त आ गया है। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैं आप सबसे ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, मैं तो आपका पड़ोसी हूं। हमारे यहां तो आजकल जब बात करता हूं मैं किसी किसान से, दिन में तो ओंघियाया रहता है, नींद आती रहती है। मैं उससे पूछता हूं, कहा बात है भाई, कहा है कुछ खाया पिया नहीं, कहा है ना ओंघाता,
काज का करी भैया, रात में मोदी जी और योगी जी दोनों लेके 20-25 चला आवर। ठीक कहा थे कि नहीं कहा? तोरे खेते माओ जी नहीं होते कि सब प्रतापगढ़ भेज दिया। अगर आवा थी तो एक बात कहा, मोदी जी ईमानदार है, वो कहते थे 70 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया वो मैंने करके दिखा दिया। तो इतने कहूंगा, किसान के जुताई बोआई सिंचाई जब हरी फसल होती है तो अगर मोदी जी ने चरवा लिया, योगी जी ने चरवा लिया, तो सच्चे किसान अगर आप होंगे, सच्चे किसान हो गया तो 12 मई को मोदी कहीं हरा भरा दिखाई न पड़े, सब चल लो तभी इसका जवाब है। अभी एक साथ कह रहे थे संजय जी, या पूछ रहे थे मुझसे कि मेनका जी आई, तो हमने कहा मेनका जी आई नहीं, मेनका जी बुलाई गई, बुलाई गई। उसका कारण क्या है? जब बच्चा कोई ठीक ठाक नहीं पढ़ता, एक साल फेल हो जाए, दो साल फेल हो जाए, कुछ कुछ 3 साल हो जाते हैं, 4 साल भी होते हैं, पर यहां एक बच्चा ऐसा आया था जो 5 साल लगातार फेल हो गया। अम्मा बुलाई गई है स्कूल में कि बताओ तुमने अपने बच्चे को पढ़ाया क्यों नहीं था, इसकी सजा देने के लिए सुल्तानपुर की जनता ने बुलाया। वरना आप बताइए, जब अमेठी में चुनाव हो रहा था, हार गई थी, पूरी तरह हारी थी, याद है आप सबको? इतनी गालियां दी थी इन्होंने अमेठी और सुल्तानपुर को कि बड़ी बेवफा धरती है। तो अगर उस बेवफा धरती पे दोबारा आई है तो आपको भी वफा नहीं करनी चाहिए, इनको अपनी पुरानी गालियों का हिसाब क्या करना चाहिए, देना चाहिए कि नहीं देना? इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। बस एक चीज है, अगल बगल छोटे बच्चों को मत जाने दें, बिगड़ जाएंगे। क्योंकि हिंदी में गाली तो आपने बहुत सुनी होगी, अंग्रेजी में गाली मेनका जी से ज्यादा अच्छी कोई नहीं दे पाता है। तो बच्चों को दाएं बाएं मत जाने देना। सुल्तानपुर का इतिहास काम, प्रेम, मोहब्बत, भाईचारे का इतिहास है, उसमें नफरत का इतिहास कभी नहीं रहा। मैं आपसे एक बात जरूर खास तौर से कहूंगा, बड़ा मोदी जी अपने को काबिल समझते हैं, उत्तर प्रदेश वालों को शायद उतना काबिल नहीं समझते। एक नई योजना लाए, योजना है 6,000 रुपया साल देंगे। ये 6,000 रुपये साल सबको नहीं, कुछ किसानों को। ये 6,000 है क्या, जरा इसको जोड़िए मेरे साथ, कहीं गलती हो जाए मेरी तो बताइएगा। 6,000 को अगर 12 से बांटो तो 500 रुपया महीना आया कि नहीं आया? अब 500 रुपया को अगर बांटो 30 दिन से महीने में तो कितना आया? 17,000। और परिवार में सामान्यतः कितने लोग होते हैं? अगर भगा ना दो तो, मैंने किसी का नाम नहीं दिया, अगर भगा दोगे तो बच्चे नहीं होंगे, कुछ लोगों ने भगा दिया तो उनको परिवार का अंदाजा नहीं। मैंने नाम अभी तक किसी का नहीं लिया, अगर आप समझ गए हो तो। 5-6 होंगे तो बांटो 16 रुपया को 6 से 7 से अगर माँ बाप भी होंगे तो 7-8 होंगे, तो एक एक हिस्से के 1.5 रुपया 2 रुपया आएगा। अरे मोदी जी, तुमने उत्तर प्रदेश वालों को भिखारी समझा है? अरे कटोरा लेके कोई बस अड्डे भी खड़ा हो जाता है तो शाम तक 15-20 रुपये कमा लेता है, और तुमने अगर किसानों को भिखारी समझा है तो कसम है हर किसान को, इनको भिखारी बना के वापस कर देना, इन्होंने तुम्हारा अपमान किया है। एक तरफ इन्होंने भिखारी बनाया और दूसरी तरफ राहुल गांधी, इंदिरा गांधी का नाती क्या बना रहा है? वो कहता है नहीं, मैं चाहूंगा कि हर आदमी सर उठा के चले, न्याय के साथ चले, और कम से कम 12,000 रुपए एक परिवार के लिए इतना तो है कि वो दो पेट दो जून की रोटी खा सकता है और बच्चे को पढ़ा सकता है। तो फैसला आपका है, सुन लो भैया, मैं पड़ोसी हूं, समझाए दे रहा हूं। मोदी आया तो 2 रुपया,
और राहुल गांधी आया तो 72,000 रुपया, फैसला आपका, आपको करना है कैसे करेंगे, और इतने समझदार हैं हम आपके, अपना फैसला क्या करना है हम आप जानते हैं। 5 करोड़ परिवारों को चुनेंगे, 25 करोड़ लोगों को। पर एक बात मैं कह के संजय जी जाऊंगा, मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुतों को देखा है, इंदिरा जी को देखा, गर्व होता है, सारी दुनिया में शान से नाम लिया जाता है। राजीव जी को देखा है, जितना उनका रंग गोरा था उससे ज्यादा दिल गोरा था, साफ थे, सुथरे थे, ईमानदार थे, प्यारे थे। अटल जी को देखा है मैंने, एक चीज कहूं, दूसरी पार्टी के जरूर प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनके दिल में छल कपट नहीं था, जो कहते थे उस पर खड़े रहते थे। पर नरसिंह राव जी को देखा मैंने, कितने प्रधानमंत्रियों जी के साथ काम किया, पर ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो शहीदों का अपमान करे। क्या बोले वो अपने भाषण में कि पहला वोट तुम्हारा पुलवामा पे पड़ना चाहिए, पुलवामा के नाम पे पड़ना चाहिए, बोले कि नहीं बोले बताइए। क्या चुनाव में पुलवामा की बात करनी चाहिए थी उन्हें? चुनाव आयोग ने रोका है या नहीं रोका है? उसके बाद भी अगर किया तो पुलवामा की हकीकत खोल के मैं आपके सामने रख देता हूं, और मैं चाहे तो हम टेप कर लो, अगर उसमें कोई बात गलत हो तो मुझसे पूछ लेना जब दोबारा आओ। बताओ पुलवामा में जब सीआरपीएफ के जवान जा रहे थे तो क्या ये सच नहीं है कि हवाई जहाज मांगा गया था इसलिए कि ये वार्निंग थी कि कभी भी हमला हो सकता है वादियों में? अगर नहीं दिया तो किसने नहीं दिया? भाजपा सरकार ने। उसके बाद भी जरा एक सवाल मुझे बता दो आप, 250 किलो आरडीएक्स लगा, 250 कुंटल आरडीएक्स लगा, पाकिस्तान से आया आरडीएक्स। अरे कैसे कमजोर प्रधानमंत्री थे कि 250 कुंटल आ गया और तुम सीमा की हिफाजत भी नहीं कर पाए? अगर 250 कुंटल आया था तो गलती किसकी? देश की सीमा कौन देखता है? तीसरे पे आओ, कैसे पता था उसको, कैसे पता था कि यही दो गाड़ियां हैं जो बख्तर बन गई? सोचते जाना। चौथा मेरा सवाल है कि 1.5 घंटे बाद 2 घंटे बाद सारे चैनल्स पे आने लगता है किसे जैसे मोहम्मद ने किया। कौन है ये जैसे मोहम्मद? पाकिस्तान का एक आतंकी संगठन? इसका मुखिया कौन है? मसूद अजहर कौन है? अरे मसूद अजहर वही है जिसे कांग्रेस ने जेल में बंद किया था और भाजपा ने उसको कंधार वैसे पहुंचाया था जैसे दामाद को विदा किया जाता है। तो अगर भाजपा ने उस समय घुटने नहीं टेके होते, अगर इन आतंकवादियों को नहीं छोड़ा होता, तो ये हमारी 42 माओ की गोद सूनी होने से बच जाती या नहीं? अगर पुलवामा के नाम पे ही पहला वोट पड़ना है तो देश की सुरक्षा के नाम पर पड़े, जवानों के नाम पर पड़े, वोट कभी जवानों के नाम पे नहीं मांगना चाहिए। अगर मांगना ही है तो इंसाफ कर देना, मोदी जी अगर पुलवामा के नाम पे कुछ होना चाहिए इतनी भी अगर शर्म है आपके अंदर हो तो त्याग पत्र देकर आपको चला जाना चाहिए, आपको कुर्सी पर बैठे रहने का अधिकार नहीं है। अगर पुलवामा हुआ है तो आपकी कमजोरी से, उसको चुनाव का मुद्दा न बनाऊंगा मैं और न आपको बनाना चाहिए। मुद्दा बनना चाहिए 15 लाख, मुद्दा बनना चाहिए बेरोजगारी, मुद्दा बनना चाहिए किसान के आत्महत्या। इन सारे मोर्चों पे मोदी जी तुम फेल हो गए, इसलिए सुल्तानपुर की जनता ने तय किया है कि अब तुम्हारी जाने की बारी है। और डॉक्टर संजय सिंह के याद करना, संजय सिंह को क्यों चुनना? मैं गवाह, मेरे साथ ही विधानसभा में भी रहे, मेरे साथ राज्यसभा में भी रहे, ऐसे तो संजय सिंह कहीं देर से पहुंच जाते थे, पर 11:05 के पहले संजय सिंह मौजूद रहते थे राज्यसभा में, और मैं इनका कागज छीन लेता था हमेशा मजाक में, और उसमें कोई न कोई समस्या सुल्तानपुर की जरूर रहती थी जिसको ये रखते थे। तो फर्क इतना सुन लो,
एक आदमी जो लोकसभा का सदस्य था जिसे आपने चुना था उसने सुल्तानपुर का नाम कभी नहीं लिया, और एक आदमी जो आपने नहीं चुना था एक दिन भी ऐसा नहीं बीता जो सुल्तानपुर के बगैर आवाज उठाए चैन से बैठा। ईमान करिए, न्याय करिए, इंसाफ करिए, और जब आप करेंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं संजय सिंह सिर्फ जीतेंगे नहीं, रिकॉर्ड बना के जीतेंगे, सुल्तानपुर का नाम उठा के जीतेंगे। और बड़ा अच्छा हो, बहुत अच्छा हो गया। बहुत तरसते थे ना आप इंदिरा गांधी के लिए, याद आती होगी। इंदिरा जी लौट आई, अगर देखना है तो प्रियंका गांधी को गौर से देख लेना, इंदिरा गांधी लौट के आई है सुल्तानपुर, और अमेठी का भाग्य एक बार फिर मुस्कुराएगा। और मैं उनकी तरफ से संदेश लेकर आया हूं कि अगर आप संजय जी को भेजेंगे तो उनके हाथ मजबूत होंगे।